दोस्तों वीडियो देखने के लिए SM मनोरंजन चैनल सब्सक्राइब करिए, और ये सब्सक्राइब करिए बेल आइकन जरूर दबाए। इससे क्या होता है, नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जगदीश पुडिलवासी है, तुम्हारे लिए 10 रुपए स्पेशल आ रहा है। कोई भोजपुरी की बोला चाहिए तो मैं पसंद के भी सुनाई भोजपुरी।
क्या तुम तो भैया है, हम भैया है और ये भैया है। जब लोगों की तैयारियां नहीं होती है वो रैली काफी कर रही थी, इसीलिए हम लोग लेट हो गए थे। टाइम पर बैठ गया करो जी। जी दैनिक वो फीस चाहिए, फीस चाहिए। तो ये बता दूंगा कितनी फीस है तुम्हारी। दैनिक 500 रुपए। 500 रुपए और दैनिक 100 भी फीस चाहिए। कितनी फीस है? बस 1000 रुपए। 1000 रुपए मुझसे छोटी है और आपकी फीस 1000 तो मैं लगा लूंगी। उसमें टक्कर करता लगा दिया बस अलग को छोट पड़े का इसी बात से तो लड़ा से परेशान रहता है। छोटी छोटी बातों में झगड़ने वैसे ठीक कहते हो, ये दोनों कोई किसी से कम नहीं है, ये सारी सच्चाई कोई रिक्शे वाला ही बता सकता है। नहीं बोले ऐसा करो, क्या रिक्शे वाले को पता करो और क्या बोला कि बड़े ठाकुर दरबार सीधी आती है। मानता है
और कितने दिन से इस रास्ते से आता है? आज तो हुआ बहुत दिन से। बहुत दिन से आता है ना, तो मालूम नहीं है कि इतना अंधा मोड़ है, आराम से नहीं मार सकता। मारा तो नहीं बोले में अभी मैं मारूंगी, बता दे आ क्या तू सही। कितने साल हो गए तेरे को? जब से रिक्शा चलावे लगी। कब से रिक्शा चलाता है? कब से कम हमका 60-80 साल। कितनी उम्र है तेरी? 30 साल। अरे वाह, 30 साल की उम्र है तेरी, बड़ा नौजवान लगता है तू। पढ़े लिखे हैं दोनों, हुआ पढ़े लिखे हैं, अच्छे खासे चुटिया हैं, मामूली थोड़ो हैं मने। इसीलिए तो रिक्शा चला रहा है तू, पागल कहीं का। रिक्शे वाले ठीक से चलाया करो और ठीक से नाम लिया करो, काम सही से करो, वरना नौकरी से मार दूंगी ना तो बीवी बच्चे और तू नाम बचाएगा। अच्छा वहाँ पर तुझे इंजेक्शन खिला देती हूँ, आप तेरे मुंह में इंजेक्शन खिलाऊंगी, फिर तू चंगा हो जाएगा। तो एक पत्नी इंजेक्शन खिलाया नहीं जाता, लगवाया जाता है। क्या हुआ, आज मैं इसे इंजेक्शन खिला दूंगी, कहते हैं कि उल्टे काम भी करना चाहिए कभी कभी। पूरा हॉस्पिटल खाएगा। मारो एक बार मारो देखा जाए।